नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का मेट्रो है। तो भाई राजस्थानी में एक कहावत है, राजस्थानी वीडियो देख रहे होंगे तो दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं। हालांकि हिंदी वर्ड है, लोगों को समझ में आ जाता है, यानी दूर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। राजस्थान का बंदा जो इस बुक में है, कम से कम कितने राजस्थान में 55 मैन पावर ऑफिस हैं, बाकी बिना मैन पावर ऑफिस तो बहुत सारी हैं। 55 ऐसी ऑफिस हैं जो मैन पावर हैं, गवर्नमेंट अथोराइज मान्यता प्राप्त है, इनको छोड़ दिया और बंदा पहुंचा बॉम्बे। जी हाँ, दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं, बताया ना मैंने, पास वाले बेकार है भैया, दूर जाएंगे। तो बंदे ने एक एजेंट से संपर्क कर लिया, कैसे, फेसबुक से। जी हाँ, डील हो गई, 55,000 में बात हुई, सेटिंग कर करा के 45,000 में बंदे को पटक दिया। 45,000 में 5,000 रुपये बंदे ने एडवांस दे दिए। 5,000 में बंदा जो एजेंट था इतना दरिया दिल था, 5,000 में ऑफर लेटर दिया, कंपनी की NOC दी, ठीक है जी, कंपनी का वीज़ा दिया, टिकट दी, और क्या चाहिए भाई आपको, सब कुछ बंदे ने दे दिया और बंदा हो गया खुश। अब बाकी के अभी टिकट दे के बोला ठीक है आप घर से निकल जाओ, तो बंदा निकल जाता है। उससे पहले मेरे से बात हुई, बोला सर 2 महीने हो गए इस सिस्टम में, इसमें झकझक करते हुए। उसने बेचारे ने हिम्मत करके जुटा के मुझे 500-700 रुपये फीस डाली, मेरे से बात हुई, तो मैंने उनके डॉक्यूमेंट देखे, फिर उनसे डिटेल ली, तो पता लगा कि मामला कुछ और ही था। जी हाँ, यानी वीज़ा चेक कर रहा था बंदा, चेक नहीं हो रहा था वीज़ा, ऑफर लेटर फेक था, सब कुछ डॉक्यूमेंट फेक थे, NOC दे रखी थी। NOC का क्या मतलब होता है भाई, आप इंडिया में बैठे और कंपनी आपको NOC दे रही है, इंडिया में घर बैठे क्यों देगी NOC, समझ रहे हो। आज नहीं कल भेजेंगे, नहीं कल नहीं परसों भेजेंगे, वो 10 का ग्रुप था वो तैयार नहीं हुआ, उसके पैसे नहीं दिए, उसका डॉक्यूमेंट, ऐसे कर करके 2 महीने निकाल दिए, वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। जी हाँ, मैंने बातचीत करी, समझ में आया, तो मैं बोला भाई कितने पैसे दे रखे हैं, बोला सर 5,000 रुपये दे रखे हैं। मैं बोला ठीक है, वो भी एजेंट ईमानदार था थोड़ा कि 5 में इतने सारे सब कुछ दे दिया आपको, वरना तो बोला सर मैं तो 45 डालने वाला था अकाउंट में, उसका पहले फ़ोन आ गया, बोला आज मत निकलना, तब मुझे डाउट हो गया तो मैंने पैसे नहीं डाले, वरना वो पूरे निकल जाते पैसे हाथ से। समझ में आ रही है बातें, ये सब कुछ फेक है, सब कुछ एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट उसको डाल दिए, एडिट कुछ नहीं करना भाई, एडिट बहुत आसान है, आपको उनके पास एक लैपटॉप होता है उसमें नाम डालते रहो, पासपोर्ट जितना मर्जी, एक ही सिस्टम होता है, दिन में 50 लोगों को वही वीज़ा देते रहो, सेंड करते रहो अलग अलग लोगों को, समझ गए। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो खुद चेक कर लेते हैं, कुछ लोग हिम्मत करके हालांकि फीस तो नहीं देना चाहते लेकिन कोशिश करते हैं कोई फ्री में हमारा चेक कर दें, ताकि हम एजेंट को 50-60 हज़ार रुपये दे दें, हाथ में लेके बैठ जाते हैं पैसे, समझ रहे हो। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, हमेशा मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें, आपके नज़दीक में मिलेगी भैया। जैसे राजस्थान में 55 मैन पावर ऑफिस हैं और 32-33 ज़िले हैं, तो मतलब ज़िले में लगभग है ना ऑफिस 100-150 किलोमीटर की दूरी में आपको ऑफिस आपके नज़दीक में मिलेगी। इन बेवकूफ़ लोग हैं जो फर्जी लोग हैं, उनके चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। मैन पावर ऑफिस में आंख बंद करके आप पैसे दे सकते हो, आंख बंद करके आप पासपोर्ट दे सकते हो, काम नहीं होगा तो आपके पैसे नहीं खा सकते, आपका पासपोर्ट नहीं रख सकते, इसका बात का ध्यान रखिए, समझ गए होंगे मेरी बात को। दूसरे चैनल पे मैं मैन पावर से रिलेटेड रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो भाई लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।